आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इनक्रेडिबल किचन में। आज देखिए मैं कुछ आप लोगों को नया बनाने और बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई भी चीजों की कमी है तो आप किसी चीज को किस तरह बना सकते हैं, मैं आज उसकी कोशिश कर रही हूँ तो आपको अच्छा बता सकूँ। ये देखिए मैंने राई डाला, राई कड़कड़ा गई है। अब मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। अब इनको मैं थोड़ा देर पकने दूंगी, ये अच्छे से कड़कड़ा जाएंगे। इसमें ऑयल की थोड़ी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और इसमें अगर आपके पास करी पत्ता हो तो डाल दीजिएगा। देखिए मैंने इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ प्याज को, जिससे प्याज अलग अलग हो जाए, क्योंकि जब प्याज अलग अलग हो जाएंगे तो काफी ढेर सारे हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे, सब तरफ फैल के और मसाले में और सभी चीजों में मिक्स हो जाएंगे ये। अभी देखिए मैं इनको थोड़ा सा ब्राउन करूंगी। देखिए ब्राउन करना है, इनको ज्यादा भूंजना नहीं है, इसको ज्यादा भूंजने की जरूरत नहीं है, इसे बस आप हल्का सा ब्राउन करिएगा और बहुत तेज आंच में नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत तेज आंच में ब्राउन करने से वो बात नहीं रहती है, उसकी जो फ्रेशनेस है ना वो खत्म हो जाती है तेज आंच में पकाने से। इसको हल्के की आंच में पकाना है। देखिए ब्राउन हो गया ना, अब इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दिया। शिमला मिर्च ये मेरे पास 3 मिर्च है, ये बहुत बड़ी साइज की नहीं थी, छोटी साइज की है। और देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे नहीं काटे हैं, क्योंकि शिमला मिर्च गल जाता है बहुत आराम से, बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए मैंने बहुत छोटे नहीं काटे हैं इनको, मैंने ये साइज। आपकी मर्जी, तो आप छोटा काटिए बड़ा काटिए, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है, क्योंकि टेस्ट तो वैसे भी आना है, आप छोटा काटें चाहे बड़ा काटें। मेरी आदत है मैं थोड़ा बड़ा काटती हूँ, तो बड़ा दिखता है और क्योंकि वैसे भी गल जाते हैं तो पता चलना चाहिए ना। अब देखिए मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ा सा इसको मैं चलाऊंगी, आपस में नमक को मिक्स करूंगी, इसी तरह से मिक्स करेंगे। ये है कि फ्लेम बहुत तेज नहीं रखिएगा, बहुत तेज की जरूरत नहीं है, धीमे धीमे पकाने में सब्जी का फ्लेवर भी अच्छा आता है और सौंधी भी बहुत लगती है। अब मैंने हल्दी डाला, देखिए 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डाला है। और अब मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला है। और ये डाला मैंने गरम मसाला। अब थोड़ा सा मुझे हल्दी लग रहा है और डालना चाहिए, थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी अभी इसमें। अब इसमें थोड़ा हल्दी का रहेगा ना कलर अच्छा आता है, क्योंकि मुझे फूड कलर डालना अच्छा नहीं लगता है। और ये मैंने डाला इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसको मैं आपस में चलाऊंगी, मिक्स करूंगी पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे, इसी तरह धीरे धीरे पकने देंगे इसको। और मैं थोड़ा सा इसको अभी ढक दी, अभी सॉरी गाजर डालती हूँ। हाँ गाजर भी तो है, मुझे तो याद नहीं था गाजर भी डालना है। और अब इसको मैं चला के थोड़ा सा ढक दूंगी, अभी देखिए है ना, अभी गाजर और ये सब चीजें आपस में मिक्स हो जाए और गल जाए। बहुत जल्दी गलता है गाजर और शिमला मिर्च, इसमें समय नहीं लगता है। और ये मैंने 2 से 3 चम्मच लिया कॉर्नफ्लोर पाउडर। और ये है टमाटर पिसा हुआ, मेरे पास बहुत लाल टमाटर नहीं था पिसा हुआ, इसलिए बहुत लाल नहीं दिख रहा है। और मैंने इसमें डाला ये टमाटर का 1 चम्मच टमाटर पिसा हुआ। आपको मन हो इसमें मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं और इसमें आप थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए मुझे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें अपने शिमला मिर्च में डाल चुकी हूँ। मेरे पास जब कभी पनीर नहीं रहता है, कोई चीज़ की कमी रहती है, तो मैं इसी चीज़ को आपको एक अलग ढंग से बनाना बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप किस तरह से बना सकती हैं, कुछ नया कर सकती हैं। ये आइडियाज सबके दिमाग में जल्दी नहीं आता है। देखिए ये ब्रेड है ना, मैंने ब्रेड को छोटे छोटे पीस में काटा है, बहुत छोटे में भी नहीं काटा है और मैंने साइड के नहीं निकाले हैं। आपको मन हो तो साइड का निकाल लीजिएगा, हमने नहीं निकाला है क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत नहीं समझ में आती कि साइड का निकालना चाहिए। और इसी तरह मैं एक एक पीसेस को ऐसे इसमें डुबो के तलूंगी। आपको मन हो थोड़ा गाढ़ा पेस्ट कर लीजिएगा, गाढ़ा पेस्ट वैसे अच्छा नहीं लगेगा, बस इतना ही पेस्ट ठीक लगेगा।
हम लोग तो कभी कभी इसमें मसाला वसाला डाल के ऐसे तल के चाय के साथ खाते हैं। आप कभी खाइए, वाह मजा आ जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं ये, थोड़े आइडिया की बात होती है। कभी कभी कोई चीज का आइडिया आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज बन जाती है। तो मैंने भी इसी तरह से, मेरे यहाँ हुआ कि कुछ बनाओ, शिमला मिर्च रखा है और पनीर मेरे पास था नहीं। एक बार मैंने ऐसे किया कि चलो आज पनीर नहीं है, मैं ब्रेड से बना देती हूँ। सच मानिए, इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया मेरी इस सब्जी को कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और किसी को जल्दी समझ ही में नहीं आ रहा था कि उसमें पनीर है कि ब्रेड है। इतना अच्छा ये मिक्स हो गया, इतना अच्छा इसका टेस्ट आया। तो आज भी मेरे पास यही था कि मेरे पास बहुत थोड़ी सी पनीर थी। ये देखिए अभी पक गया है, काफी अच्छा भुज गया, ये तैयार हो गया है। एक तो मेरे यहाँ ये भी टेंशन है, किसी को सोया सॉस पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। ये देखिए जो मैंने टमाटर पीसा था उसको मैंने डाला। अब इसको थोड़ी डालूंगी और इसको भूजूंगी, आपस में मिक्स करूंगी, थोड़ा सा पकाऊंगी जिससे कि टमाटर का भी फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। टमाटर का कच्चापन खत्म होना बहुत जरूरी है, यह तो आप जानते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा अप लगाऊंगी। अभी देखिए तल गई ना, सब ब्रेड तल गई। अगर आप ऐसे झटके में देखेंगे तो आप नहीं समझेंगे कि ये ब्रेड है कि पनीर है। तो आज मेरे पास पनीर बहुत कम थी और मूड हो गया कि चलो बनाया जाए, आज चिली पनीर की तरह सब्जी बने। तो ये जब मैंने बनाया तो सभी लोग दंग रह गए, अरे वाह आज पनीर बहुत कम था मेरे पास। मैं इसमें आपको पनीर भी डाल के दिखा रही हूँ, ब्रेड भी डाल के दिखा रही हूँ। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, आपके पास पनीर ना हो तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं और जो खाएगा वो भी दंग रह जाएगा कि अरे इस तरह से भी बन सकता है। ये सब आइडियाज जल्दी नहीं आते हैं और मैं बैठे बैठे कुछ ना कुछ अपना आइडिया निकालती रहती हूँ, अगर ये बनेगा तो कैसा लगेगा। पहले मैं खा बनाती हूँ, सबको टेस्ट कराती हूँ, तब फिर मैं आपके लिए ये वीडियो डालती हूँ। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कमेंट्स डालें कि मैं आपके लिए जो ये पकवान बनाती हूँ, वीडियो डालती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है। मेरी तो बहुत कोशिश रहती है कि मैं कम से कम में और अच्छे से अच्छा आइटम बनाऊं और जो आपकी रसोई में हमेशा अवेलेबल रहे, उसी में से बना सकें, बहुत खर्च ना करना पड़े आपको और घर में भी आपको तारीफें मिले। घर वाले भी खा के जब तक वाह नहीं बोलते हैं तो अपनी मेहनत पे डाउट रहता है। इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि देखिए पनीर आज मेरे पास बहुत कम है। आप पनीर ना भी डालिए कोई बात नहीं, ब्रेड डालिए, मैं तो हर तरीके से बनाऊँ। देखिए थोड़ा सा मैं इसको लाल करूंगी, हल्का सा ब्राउन करूंगी बस। तो आप जानते हैं किस तरह से इसमें डालना रहता है, ब्राउन करना है हल्का सा इसको। देखिए हो गया ना ब्राउन, कॉर्नफ्लोर से लग जाने से ये कि थोड़ा कड़ापन हो जाता है, तो ये बहुत जल्दी उसमें मेल्ट नहीं होते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। काफी अच्छा सा ब्राउन हो गया है। अब मैं देखती हूँ कि क्या हाल है मेरे। हाँ शिमला मिर्च का काफी अच्छा फ्लेवर आ गया, वाव काफी अच्छा गल गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा वेनेगर। वेनेगर डाल के थोड़ा सा चलाऊंगी उसके बाद, क्योंकि तो मुझे बिना टमाटो सॉस के भी तो निकालना है ना। अभी जो मैंने तले थे सारे ब्राउन किए हुए, देख रही हैं ब्रेड और पनीर, आप पता नहीं चल पाएगा आपको कि ब्रेड कौन सा है पनीर कौन है। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि वाव ऐसे भी बन सकता था। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो टेंशन नहीं रहती, अगर पनीर नहीं है तो मैं आराम से ब्रेड निकालती हूँ। और सभी के यहाँ फ्रिज में ब्रेड तो पड़ी रहती है, ब्रेड से तो क्या नहीं बन जाता है। जब मन आए अपना कुछ भी बना के नाश्ता बना लीजिए, ब्रेड की बात ही अलग होती है। ब्रेड से तो बहुत सी चीजें बनती हैं, ये तो आप लोग भी जानती हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें भाप लगा देती हूँ, बस मिक्स हो जाएगा ब्रेड के साथ और मसाले के साथ। ये काफी अच्छा रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा लुक आया है, वाह
खुशबू इतनी अच्छी उठ रही है कि मैं बता नहीं सकती। इसमें थोड़ा सोया सॉस आपको अभी डालना पड़ेगा। इसको मैं मिक्स करूंगी आपस में और फिर मैं भूनने के बाद, थोड़ा सा पकाने के बाद इसको निकालूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको टमाटो केचप के साथ भी अच्छा लगता है, टमाटो सॉस बड़ा भी अच्छा लगता है, ऐसा ही अच्छा लगता है। अब मैं देखिए, ओ सॉरी, मैं आपको ब्रेड क्रम्स बताना चाहिए, इसमें ब्रेड क्रम्स जरूर डालिएगा, मैं ब्रेड क्रम्स के बिना इसको बनाती ही नहीं हूँ। अब ये देखिए, किसी को थोड़ा ब्रेड क्रम्स पसंद है तो अब मैं थोड़ा डाल रही हूँ, फिर जब थोड़ा सा निकाल दूंगी उसके बाद मैं थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्स डालूंगी, क्योंकि अधिक मात्रा में डालने से बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए मस्त लग रहा है, बहुत 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 टेस्टी लगता है। वाओ, थोड़ा सा उसको भूज देती हूँ, आपस में मिक्स हो जाए। बस मिक्स हो गया, काफी अच्छे से मिक्स हो गया है। हाँ, खुशबू भी अच्छी उठ रही है, ये तो बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है, काफी अच्छा तैयार हो गया। अभी देखो मैंने निकाल दिया, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो सॉस। अब मैं थोड़ा सा बनाऊंगी टमाटो सॉस का। अभी देखिए मैंने थोड़ा और डाला है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा अधिक ब्रेड क्रम्स पड़े रहते हैं तो टेस्टी लगता है, सबके हिसाब से सोचना पड़ता है ना। मैं इसमें सॉस डालूंगी, सॉस थोड़ा अधिक डालते हैं क्योंकि सॉस के टेस्ट की बात ही अलग होती है इसमें। काफी अच्छा है, देखिए बन गया, तैयार हो गया, बहुत मस्त बना है। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन डाल दीजिएगा, और अगर मक्खन नहीं है आपके पास तो आप मलाई डाल दीजिएगा, आधी चम्मच मलाई डाल दीजिएगा। दोनों ही चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालिएगा, लेकिन आप दोनों में फर्क देखिएगा, तभी आप इसमें मक्खन डाल के भी देखिएगा खा के, और बिना मक्खन का भी देखिएगा, बहुत अंतर आता है। अब नहीं है तो वो तो प्रॉब्लम है, आजकल तो जान नहीं, लॉकडाउन का समय है, जो चीज़ घर में आराम से मिल जाए उसी में बना लीजिए, और बस बनाना आना चाहिए। घर में जो चीज़ें हैं उससे भी आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, अगर आप मन से बना रहे हैं कोई भी चीज़, तो बस आप लग के आप, मेरा चीज रेडी हो गया। ये देखिए मस्त लग रहा है, आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं अगर आपको रसे वाला चाहिए, और बस धनिया मैंने गार्निश कर दिया इसमें। अब ये रेडी हो गया मेरा, तैयार हो गया, और आपको इसमें मन हो थोड़ा पानी डाल लीजिए, क्योंकि इसको तो रोटी से भी बहुत टेस्टी लगता है, रुमाली रोटी हो चाहे पराठा हो चाहे इसके साथ, अब जो भी खाइए, हम लोग को कभी मूड आता है तो चाय के साथ ऐसे ही खा लेते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। धनिया से गार्निश कर दिया, अब रेडी है। अब मैंने इसमें देखिए थोड़ा सा चीज से गार्निश कर दिया, बस रेडी हो गया, सर्व करने के लिए तैयार है।